प्रावर्तन के नियम के। तो देखिए क्वेश्चन पहले कैसे पूछता है एग्जाम में, वो आपका जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि प्रकाश का प्रावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन का तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि प्रकाश का प्रावर्तन क्या है। तो ये चीज हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, याद रखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। ये चीज आपको पहले हम बता दिया कि प्रकाश का प्रावर्तन क्या है। तो याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। अब दूसरा इसका जो पार्ट है कि प्रकाश के प्रावर्तन के नियम लिखें या कितने नियम होते हैं उसको जरा समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के प्रावर्तन का जो नियम होता है वो दो होते हैं। प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको याद होना जरूरी है कि जो नियम होता है प्रकाश के प्रावर्तन का वो नियम होता है कितना, दो। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। अब देखिए ये नियम होता क्या है। तो सबसे पहला जो नियम होता है उसको जरा समझते हैं। देखिए नियम जो होता है, पहला नियम थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर लंबा है, लेकिन हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिक आप उस समझ जाइएगा। जो जो पॉइंट हम लिखाए हैं हम उसी को डिस्कस करने वाले। देखिए पहला नियम हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम है, याद रखिएगा, आपतित किरण। जैसे जैसे हम नाम ले रहे हैं वैसे वैसे आप अपने दिमाग में लीजिए, अपने मन में लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अभी कभी हमने कहा आपतित किरण, फिर एक बार पीछे इसका नाम लीजिएगा प्रावर्तित किरण, आपतित किरण, प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखिए सब का सब अगर इसको तल मान लें तो ये सब का सब क्या है, एक ही तल में है कि नहीं। आपतित किरण भी इधर से आया, प्रावर्तित किरण भी इसी में आया, अभिलंब भी इसी में आया। तो ये देखिए वही होता है क्या कि एक ही तल में होते हैं। तो फिर से समझिएगा हमने क्या कहा, आपतित किरण, फिर इस साइड चले गया प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, या यही कह सकते हैं कि सभी एक ही तल में होते हैं। तो देखिए हम जब उसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, हमने कहा आपतित किरण, आपतित किरण, फिर दूसरे नाम नाम लीजिएगा प्रावर्तित किरण, फिर कहा तथा तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो याद रखिएगा हमने कुछ नहीं इसमें किया है, बस आपको क्या था कि केवल नाम याद रखना था। तो देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे हाथ के केवल ध्यान रखिएगा तो पहला नियम याद हो जाएगा। पहले इस साइड से शुरू करिएगा, फिर अंतिम छोर में जाइएगा, फिर नीचे आइएगा, फिर ऊपरे पॉइंट को लीजिएगा, ऑटोमेटिक नियम कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखिएगा ध्यान से मेरे हाथ को एक बार और देखिएगा, आपतित किरण, प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये होता है प्रकाश के प्रावर्तन का पहला नियम। तो आप लोग को याद भी हो गया होगा, आपतित किरण, प्रावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम जो होता है वो बहुत ही आसान होता है और आपको आसानी से याद हो जाएगा दूसरा नियम। दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, तो याद रखिएगा प्रावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है किसके, प्रावर्तन कोण के। यानी ध्यान से देखिएगा, ये था हमारा कौन सा, आपतन कोण, ये हमारा क्या था, आपतन कोण, और ये था कौन, प्रावर्तन कोण, और ये दोनों कोण जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था प्रकाश के प्रावर्तन का दूसरा नियम। तो याद रखिएगा आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण। और अभी आपको हम लोग डिस्कस थोड़ा देर पहले किए थे कि आपतन कोण जो होता है उसको आई से डिनोट करते हैं और प्रावर्तन कोण जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू आर, मतलब आपतन कोण बराबर होता है किसके, तो प्रावर्तन कोण के।
तो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं किस पर, तो इसके नियम पे। तो पहला नियम हमने क्या बताया, तो मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग भी, आपको याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमने क्या बताया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर क्या होता है, आर। इस चीज को ध्यान में समझिएगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर मान के चलिए थोड़ा देर के लिए समझिएगा, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि प्रकाश की किरण है, इधर से टकरा के आ रही है और यहाँ टकरा के वापस चली गई, और ये हो गया उसका अभिलंब। तो अगर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए समझिएगा, अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी कहने का मतलब कि आपतन कोण किसके बराबर हो गया, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम था। अब